लंबी है लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प वाक्य आएंगे और करंट अफेयर्स की भी कई बातें। कविता का शीर्षक है कविता का शीर्षक है नॉन ब्रांडेड शहर और नया जीएसटी कानून। कोई क्या चखेगा शहद आप, कोई क्या चखेगा शहद आप, अब कहाँ लगाती है मधुमक्खी नीम में खोता करंज में छत्ता। छत्ता समझते हैं मधुमक्खी को, छाते को छत्ता। अब कहाँ आती है मधु छोड़वा की पुकार जो आई इस बार राजधानी में, तो मैंने सोचा गौर करें। अब कहाँ आती है मधु छोड़वा की पुकार जो आई इस बार राजधानी में, तो मैंने सोचा कोई क्रांति हुई वह बाल्टी में बेच रहा था शहर, उसमें दिख रही थी कुछ गिर गई मधुमक्खियाँ टूटे हुए छाते के टुकड़े, धूप में सुनहरी खुशबू की तरह चमक रहा था मौत। धूप में चमक रहा था शहद का सुनहला रंग, क्या उसकी सुनहरी परछाई से चमक रही थी धूप। धूप में चमक रहा था शहद का सुनहला रंग, या उसकी सुनहरी परछाई से चमक रही थी धूप। कितना सुंदर था यूं ले लेना प्रकृति से सीधा सीधी मिठास नामक स्वाद। मिठास नामक स्वाद मानो तोड़कर फूलों का रस, फूलों के खिले चेहरे से जैसे बेतकल्लुफ चिड़िया सा तितली सा मधुमक्खी सा उड़ उड़ जाना भर भर आना, इस सब कुछ से लबालब की मछोड़वा की बाल्टी, उससे कैसे नहीं खरीदा जाता शहर, उससे कैसे नहीं खरीदा जाता शहर, जबकि माँ मचाती रही ठगों और ठगी का पुराण, पर कैसे कैसे तोला गया शहर, भरा गया किन लालों की पुरानी खाली शीशियों में, भरा गया किन लालों की पुरानी खाली शीशियों में, बाजारों शहर के पुराने डब्बों में, ढक्कनों के भीतर शहद भरती मैं वह आतुर लड़की थी जिसने कभी नहीं खरीदा था मन छोड़वा का माँ। किन बगीचों की टहल थी उसमें, किन बगीचों की टहल थी उसमें, जाने किन पत्तों की हवा पतझड़ की धूप थी सर्दियों की दस्तक लिए, जिनके आते ही जम गया बोतलों शीशियों में रखा शहर, जिनके आते ही गौर करे जम गया बोतलों शीशियों में शहर, पतंजलि का भी जम जाता है और डाबर। और ये सवाल है इसमें क्या चीनी है, कितनी चीनी है, हम क्या शुद्ध खा रहे हैं और क्या है। सर्दियों की दस्तक लिए जिनके आते ही जम गया बोतलों शीशियों में रखा शहर, जैसे उसमें चीनी का उच्छिष्ट हो, और जबकि याद आए थे गन्ने के लहलह खेत, और जबकि याद आए थे गन्ने के लहलह खेत, और हुई थी खुशी चीनी मिलों को पीछे बहुत पीछे छोड़ आने की, पर वे कहाँ छूटे, पर वे कहाँ छूटे थे, क्या कभी नहीं छूटता है चीनी मिलों में पिसा बुरादा, कभी नहीं छूटती है चीनी मिलों की दुर्गंध, क्या हम कभी नहीं छूटते व्यापार और बाजार के दुष्चक्र से, क्या हम कभी नहीं छूटते व्यापार और बाजार के दुष्चक्र से, क्यों इतनी तीखी हो जाती है हम तक आते आते गन्ने की मिठास। क्यों इतनी तीखी हो जाती है हम तक आते आते गन्ने की मिठास, जाने इनमें किन किन किस्मों की मिलावट हो, शीरा हो बुरादा हो खराब चीनी का, चिंता में डूबी माँ के कड़वे मोल सुनती मैं सधा जाती हूँ, गलती से खरीदा बिना जांचा परखा शहर, और तरस जाती हूँ फुलस जाती हूँ उस सहज फुलेपन को, जहाँ पेड़ों में मधुमक्खी
लगाती है फोटा जिसमें भरता है शहर आहिस्ता आहिस्ता अब सब कुछ होता है व्यापार सा पाला पोसा हुआ खरीदा बेचा हुआ अब कुछ भी प्राकृतिक नहीं नीम का शहद नहीं करंट के पेड़ हमारे शहर के लिए अभी मुझे लगता है कि ये कविता मैं चाहती थी और बारिश का एकदम से खुला खुला इसलिए सुनाना कि पानी के टैंकर बढ़ रहे हैं है ना और बिजली जो है वो मतलब पता नहीं यहाँ का क्या हाल है मुझे पता नहीं लेकिन मेरे मोहल्ले में बहुत पास रहती हूँ इसी रेल में वहाँ पहली बार ऐसा हुआ कल से कि 8 घंटे बिजली गायब हुई एक लंबे समय के बाद और मैं चकित थी कि क्या हुआ और बाद में मुझे पता चला कि कुछ पानी का भी भयानक हाहाकार है ये बड़ी ज़रूरी बात है मुझे आप लोग नहीं झेल रहे हैं ना पानी की दिक्कत ना बिजली ना धूप ना बारिश की कमी किसको किसको बारिश की कमी महसूस हुई हमको तो ही है हमको तो ही है मेरा स्कूल है वहाँ समर स्कूल है मेरा घर इनके बगल में है वहाँ से मैं नहाता जाता हूँ स्कूल नहाने के लिए पानी की बहुत दिक्कत है पूरे शहर में है तो बहरहाल ये पानी की और मतलब बाढ़ की राजनीति पे एक कविता है गौर से सुनिएगा बहुत लंबा एक मतलब वैसे तो ये आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बादल कैसे बनते है ना तो उसी प्रक्रिया का कविता का शीर्षक है बाढ़ की राजनीति अपने आप खुल गई कसी हुई मुट्ठी मेरी अपने आप खुल गई कसी हुई मुट्ठी मेरी फैल गई हथेली और टपकता रहा आसमान से पानी दिल्ली में हुई फिर से बारिश आखिरकार इस साल ये मैं तब दिल्ली में थी लेकिन ये हर जगह पे थी दिल्ली भी बहुत नामी है बारिश की कमी के लिए अब यहाँ पे भी हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा चेतने की ज़रूरत है दिल्ली में हुई फिर से बारिश आखिरकार इस साल दिल्ली में बारिश और याद आया इंग्लैंड का राजा और याद आया इंग्लैंड का राजा उसी ने तो आकर कहा था पर्दे पर टेलीविजन के Who the hell did this weather? Who the hell did this weather? क्या विज्ञापन था वह क्या विज्ञापन था वह लंदन की झिरझिर बारिश की शिकायत नहीं थी जबकि अभी इन दिनों जैसे आई है फला फला जगहों पर बाढ़ भयानक जासूसी लगती है मौसम की या फिर राजनीति की फ्रांस के इतिहास में जब चुना गया हो सबसे युवा राष्ट्रपति कि फ्रांस के इतिहास में जब चुना गया हो सबसे युवा राष्ट्रपति माँ की उम्र की प्रेमिका वाला तो कनाडा के मॉन्ट्रियल क्षेत्र में आई वो भयानक बाढ़ और कि जब आपके रूममेट रहे हो युगोस्लाव तो सच युगोस्लाविया में बाढ़ ये कुछ कोइंसिडेंसेस और कि जब आपके रूममेट रहे हो युगोस्लाव तो सच युगोस्लाविया में बाढ़ क्या उसने कर लिया है पूरा पुनर्निर्माण क्या आप एक हो गए हैं बचे हुए युगोस्लाव टुकड़े ये सब आपने पढ़ा होगा युगोस्लाविया की लड़ाई यूरोप की आखिरी लड़ाई थी 2001 में जिसका टर्मिनेशन हुआ निष्कासित कर धर्म के नाम पर बरसों से वहाँ बसे हुए को वो कहाँ गए मालूम नहीं पर ये सब तो पहले हो चुका था लेकिन युगोस्लाव रूममेट्स का किस्सा खत्म नहीं होता कनाडा का वीज़ा छोड़ देने के बाद भी उन्होंने वहीं शुरू की थी बाथरूम की सफाई की राजनीति और साथ में बार बार फ्लश की टॉयलेट ब्रेक्स की कौन नहीं जानता इन भीतरी लड़ाइयों का हाल ये जो कोई भी हॉस्टल में रहा है या जो कोई भी ऐसी स्थितियों में रहा है वो सब जानते हैं ये जीवन की बातें लेकिन एक रोज़ पुलिस बुलानी पड़ी अपनी ही दिल्ली में निरंतर बजते गाड़ी के हॉर्न के कारण पूर्णतः शांत माहौल में अचानक बज उठते हॉर्न के कारण होते ही
दाखिल बाथरूम में मुझे याद है उस दिन केरल में चुनाव थे, ये घोर राजनीतिक कविता है। मैं घर में अकेली थी और पड़ोस में हॉर्न का शोर बहुत बढ़ा हुआ, लेकिन राजनीति इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। कुछ हिंदुस्तानी दस्ते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अब अमेरिका की फर्स्ट लेडी यूगोस्लाव हैं। क्या फर्क है सिवाय इसके कि एक राइट विंग कट्टरपंथी, पता नहीं उसे हिंदी में दक्षिणपंथी करेंगे या नहीं, लेकिन नस्लवादी सत्ता का निर्माण हो जाने से हमारी लगी हुई नौकरियां भी छूट गई। अब पूछिए क्या फर्क पड़ता है कसवार, और वो पूछ रहे हैं बदस्तूर गांव की गलियाती हुई भाषा में कि हम लाख की माराएं दुनिया भर क्या भार में जाए विश्व बैंक। बच्चों, भार में जाए विश्व बैंक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और तमाम संस्थान देश। ये पूछने वाले कलाकार हैं, कला और संवेदना का पेशा करने वाले। अगर होते शब्दों में बयान कर दिया जाए कलाकारी को तो और ये जाने क्या कहते। दुनिया भर के तकनीकी रिश्तों के बारे में, दुनिया भर के तकनीकी अवसरों के बारे में बकवास की आग में जल रहा है यह शहर। बकवास की आग में जल रहा है यह शहर और देश के कई शहर जल रहे हैं बिना बात की बात में, और जल रहे हैं लोग और जलाई जा रही हैं लड़कियां और बस्तियां, धूप से जल रहे हैं खेत, लेकिन राजधानी की बारिश यहाँ सबसे खर्ची है। और महानगरों में भी, जिनमें से कोई नहीं झेल सकता 3 घंटे की तेज बारिश तो क्या अब भुआती सुलगती ईंटों की रहेगी सूखी बरसात। दो चार बूंदों की मेरी खुली हथेली पर तपती दोपहर में